हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स फंक्शंस हम पढ़ाए हैं, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए, ये मेरा एक टेबल है, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 40 पे है, ठीक है। तो साइन इनवर्स में ये चीज डोमेन है और ये कोडोमेन है, यानी कोडोमेन तो नहीं मैंने को कहना चाहिए, ये रेंज है, ठीक है। और यही जो चीज है ये हमें बनाती है जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है हमारी किसी भी फंक्शन की, जैसे ये साइन इनवर्स फंक्शन है उसकी वैल्यू ये दे रही है। साइन इनवर्स इसका मतलब इनपुट ये रहेगी, आउटपुट ये रहेगी, ये आपको याद रखना चाहिए। दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप इसे अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे और याद रखेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आई रियली डोंट थिंक। अच्छा, इसके बाद अब हम करते हैं एग्जाम्पल वन। आप एग्जाम्पल वन देखिए और आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी, देखिए एग्जाम्पल वन है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है किसकी, साइन इनवर्स 1/√2 की। इसके लिए आपको जो प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री है वो जरूर आनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, लेट दिस इज इक्वल टू वाई। अब ये साइन इनवर्स जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा, ये चला गया दूसरी साइड पे, तो क्या बन गया, ये जब इधर जाएगा तो साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। और यहां पे साइन वाई ये वैल्यू क्या है, साइन पाई बाय 4। साइन साइन कट जाएगा, वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। और ध्यान रखना, जो मैंने आपको टेबल शुरू में बताया था ये रेंज के अंडर होना चाहिए, विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अगर ये है तभी आप हमारा आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो वी आर फाइन, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में ही आ रहा है, देयरफोर हम लिख सकते हैं, देयरफोर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। हम एक और बात याद रखेंगे कि ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज आती हैं, साइन इनवर्स फंक्शन जो होता है ये होता है एंगल्स की स्टडी। ये बात बड़ी याद रखिएगा, एक ही लाइन है पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एंगल की स्टडी होती है साइन इनवर्स फंक्शन। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमें ये जो आंसर आया है हमारा पाई बाय 4, दिस विल ऑलवेज कम आउट टू बीन एंगल्स इफ वी आर स्टडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए ये सेकेंड एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को करने से पहले व्हाट आई वुड से कि आपको कॉट इनवर्स का जो रेंज है वो पता होनी चाहिए। और हमारे पास हमें पता है कि कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से π, ठीक है। आप ये टेबल से देख भी सकते हैं अगर आपको याद हो तो। यहां मैं लिख देता हूं, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स इधर आ जाएगा तो कॉट y इज इक्वल टू -1/√3। आई होप ये क्लियर है आपको। अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो रेंज है वो 0 से π, इसका मतलब आंसर जो आना चाहिए वो 0 से π। अब देखते हैं, कॉट y इज इक्वल टू माइनस तो बाहर आ जाएगा, कॉट पाई बाय 3 होता है ये, और अगर ये कॉट पाई बाय 3 है तो माइनस की तो कोई वैल्यू चाहिए नहीं। इसको अगर मैं आगे लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं कॉट y इज इक्वल टू कॉट -π/3। अब देखिए ये और ये तो जो खत्म होंगे वो होंगे, लेकिन y इज इक्वल टू -π/3 जो इस रेंज में नहीं आएगा, तो हमें तो इस रेंज में लेके आना है। तो मैं क्या करता हूं, y cot y rather इज इक्वल टू cot π-π/3। तो जो एंगल नेगेटिव है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो नेगेटिव है, लास्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए कॉट कॉट कट जाएगा, y इज इक्वल टू π-π/3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2π/3, और 2π/3 क्या होता है,
120, तो रेंज क्या थी 0 से 180 विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल वैल्यू जो आई है कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 की वो ये है। अब एक्सरसाइज जो है 2.1 इज योर होमवर्क, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। आप इसको ध्यान से कीजिएगा और जो भी डाउट्स हैं मेरे से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।